जब हम परफेक्टली कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो जो आइडिया आपके जहन में आना चाहिए वो एक सीरीज ऑफ वैल्यूएबल प्रैक्टिसेस के बारे में आप सोचना चालू करिए दोस्त। क्योंकि हम जब भी कोई बातों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि एक ओवरव्यू जो होता है कॉन्फिडेंस का, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, बिकॉज वो रियल कॉन्फिडेंस और फेक कॉन्फिडेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो नहीं समझ पाते हैं। अब जब हमको डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए कि वो कहाँ कुछ ऐड करे और कहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट करे। और इसी वजह से जब कन्फ्यूजन स्टेट होगा तो पावर चली जाती है, पावर चली जाती है तो एक इंसान जितना कॉन्फिडेंस फील कर सकता है अपनी लाइफ में नहीं कर पाता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ पैदाइशी एक बच्चे के अंदर ऑलरेडी होती है। कॉन्फिडेंस एक आर्ट है या एक स्किल है, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसको सीखा जा सकता है। अब जब भी आपके दिमाग के अंदर एक बिलीफ आए कि मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ या शुरू से ही ऐसा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है या वो लड़की बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारे जहन में अगर ये चलेगा तो ये हमारी सच्चाई बन जाएगी। तो कॉन्फिडेंस एक स्किल है, आप सीख सकते हैं। आप बस अपने दिमाग में ये देखिए कि कब कब ऐसा हुआ कि आपने दिखावा करने की कोशिश की, यानी रेपुटेशन स्टेटस बनाने के लिए कुछ दिखावा किया और आपको पता चला कि वो एक फेक कॉन्फिडेंस है जो आप नहीं हैं, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। और जब हम अपनी नज़रों में गिरते हैं तो निश्चित ही हमारा कॉन्फिडेंस भी जाता है, या उस दबंगता के साथ हम अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं रख पाते। तो दोस्त, ये बहुत जरूरी है कि सच्चे कॉन्फिडेंस को समझना चालू करें और अपने आप से बार बार पूछें कि कहीं मैं शो ऑफ वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं सीखना चाहता। सिर्फ हम ये नहीं कहते कि कभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, अगर वो एक स्ट्रैटेजी, एक टेक्निक है और आप अवेयरनेस में और होश में इसको कर रहे हैं तो ठीक है, करिए। क्योंकि दूसरे का टेंशन कई बार ग्रैप करने के लिए हमको थोड़ा बहुत ये सब करना होता है। पर बात ये आती है कि अगर आप इस तरीके के कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो जो रियल कॉन्फिडेंस है, सही मायने में आप खुद के अंदर निहित होता है, और अगर आप उसके प्रति अवेयर नहीं होंगे तो बहुत बड़ी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे होंगे। बिकॉज यू जस्ट थिंक अबाउट कि अगर एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल इंसान है जिसने बहुत मेहनत की है अपने काम के ऊपर, तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत टैलेंट है, उसने उस पर काम करके उसको स्ट्रेंथन किया है। अब उसको ये देखना है कि वो खुद पे भरोसा रख के उसको कैसे एक्सप्रेस करे दुनिया के सामने, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हम ये सोचे हम दुनिया को कैसे खुश करें। दुनिया को खुश करना इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉल गेम। हम अपने अंदर की इमेजिनेशंस को यूज करके कुछ क्रिएशंस करेंगे, दैट इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम, जो रियल कॉन्फिडेंस माना जाता है। तो आप अगर सही में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आ रही हैं आप उनका पूरा पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ कुछ धोखा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस फेक दिखा रहे हैं और अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्लीज़ इस पर सोचना चालू करें। क्योंकि परफेक्टली कॉन्फिडेंट होने के लिए जहन के अंदर वो कॉन्फिडेंस के बेस लेसन्स आपके क्लियर होने चाहिए कि ये जो सो कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंट बनने की आप कोशिश कर रहे हैं और आपके पास बेसिक कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो ये डिफरेंस समझना पहली बात बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप देखिए कि क्या आप अपने दिमाग के अंदर कुछ ओवरथिंकिंग में ज़्यादा चले जाते हैं क्या, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करते हैं, दुनिया को देखते हैं दुनिया क्या चाहती है, दुनिया को किस तरीके से क्या करना है। हम कहते हैं भाई खुद को समझ जाओ, आपकी लड़ाई खुद से है, आपको आपका टैलेंट पता है, आपको आपका ज़हनियत पता है, आप उसको एक्सप्रेस करो दुनिया में, बेहतरीन करोगे दोस्त। और लास्ट बात, कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, इसको हमेशा अपनी जिंदगी में बनाए रखें।